अलीगढ़ में भाजपा के नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा का युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता मोनू अग्रवाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर राजीव शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन का आधार स्तंभ होते हैं, इनसे ही संगठन मजबूत होता है, इसीलिए वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, प्रतिनिधि प्रवीण राज सिंह, राम अवतार शर्मा, हरिबाबू गुप्ता, ताजुद्दीन अंकुल गर्ग, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से फरी नादी मौजूद रहे। देखिए मोनू जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं संगठन के, तो उनके द्वारा एक स्वागत सम्मान या स्नेह मिलन कार्यक्रम रखना एक स्वाभाविक बात है। और अलीगढ़ में संगठन बहुत अच्छे से पहले से भी काम कर रहा है और आगे भी सभी संगठन के कार्यकर्ता मिलके जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देगा उसे सफलता से करेंगे। अभी माननीय मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े का प्रारंभ हुआ है, जिसमें वर्चुअल उद्बोधन माननीय मोदी जी का हुआ। उसके बाद युवा मोर्चा द्वारा ब्लड डोनेशन का एक कार्यक्रम किया गया मलखान सिंह में, जिसको भी हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने बड़े उत्साह के साथ किया और उसमें विधायकों ने भी और मैंने स्वयं ने भी ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत जो मोदी जी ने जो राशन कार्ड में जिनकी 6 से अधिक यूनिट्स हैं उनको उसको आयुष्मान भव के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का जो प्रावधान किया है उसमें भी हमारे अलीगढ़ के समस्त पार्षद बंधु, मंडल के पदाधिकारी और सभी युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी मिलकर ऐसे सभी लोगों को जिनको को उस योजना का लाभ लेना है उनके घर घर पहुँच कर उनसे उस पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको आयुष्मान कार्ड बनवा रहे। तो संगठन लगातार काम कर रहा है। मोदी जी का संकल्प है कि इस देश को विश्वगुरु बनाना है और भारत माँ की जय जयकार विश्व में हो, उसके लिए देश का 140 करोड़ लोग सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, उनको भरपेट भोजन मिले, इसके लिए तमाम योजनाएं लगातार चल रही हैं। आयुष्मान भव उसमें से एक ऐसी तरह की योजना है कि किसी का भी इलाज के अभाव में मृत्यु ना हो। राशन कार्ड के माध्यम से किसी को भी ऐसा परिवार ना हो जिसे दोनों टाइम का अच्छा भोजन ना मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सदैव से प्राथमिकताओं में से एक है। और बहुत सारे कार्यक्रम, अनुसूचित बस्तियों में संपर्क अभियान चल रहा है जिसमें हमारे सांसद, विधायक, MLC, मेयर और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उन बस्तियों में जाकर संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को उनके मध्य पहुंचाने का निचले स्तर तक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के दर्शन पर काम करने वाली पार्टी है। अभी हमने 25 सितंबर को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन को मनाया है, जिनका एकमेव लक्ष्य था, एकमेव सिद्धांत था कि भारत की जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वह जो लाइन है उसके अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े के तहत घर घर जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, व्यक्तियों से मिल रहे हैं, राशन डीलरों से मिल रहे हैं और आयुष्मान के कार्ड बनवा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर योजनाओं को आगे तक पहुँचा रहे हैं। मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जो पार्टी का आदेश है, जो पार्टी के सिद्धांत हैं, उस पर काम करूँगा और निश्चय ही जो 2024 में माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने उसके लिए जो देश की आवाज़ है उस आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताएंगे, तो उन संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए हमारे अलीगढ़ महानगर के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सेवा पखवाड़े में लगे हुए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं नमन करता हूं।
आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं वंदन करता हूँ जो हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखिए तो आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज विभिन्न समाज के लोगों द्वारा ये विषय रखा गया कि सब लोग महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत यहाँ रखना चाहते हैं, और अध्यक्ष जी ने भी मुझे लगता है कि शायद तुरंत 3-4 घंटे पहले कोई बात हुई होगी कि फ़ोन पर किसी कह रहे हैं स्वागत सब लोग रखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ना सोच विचार किया ना हम लोगों ने, तुरंत इस व्यवस्था में हम लोग लगे। और बड़ा देखने में अच्छी बात ये लग रही है कि ये सामाजिक कार्यक्रम में आज एक महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है, तो जनता एक्सेप्ट कर रही है कि एक अच्छे संगठन के रूप में अध्यक्ष जी को पुराना नाम है इंजीनियर राजीव शर्मा जी का हमारे, और मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में महानगर में संगठन में एक नया आयाम छुएगा। पहले तो मैं सर्वप्रथम ये अलीगढ़ जिले की जो भूमि है परम पूज्य स्वर्गीय श्री बाबूजी कल्याण सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये मेरी जो शहर विधानसभा है आदरणीय मेरे जिनने मुझे भारतीय जनता पार्टी में जो लाए, ऐसे मेरे स्वर्गीय गुरु आदरणीय संजीव राजे जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलीगढ़ महानगर जिला अध्यक्ष नवनियुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक संगठन के समर्पित कार्यकर्ता इंजीनियर राजीव शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलीगढ़ महानगर का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आज ये कार्यक्रम एक सर्व समाज का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को अध्यक्ष जी के पास कुछ ही देर पहले ही सूचना गई थी, तो अध्यक्ष जी ने ना संकोच करते हुए हर जाति हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते हुए अध्यक्ष जी आए। हम पूरे सभी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, वंदन किया। हमारे युवा तुर्क नेता जिनने हमेशा युवाओं के लिए एक अलग पहचान दी है, ऐसे मेरे बड़े भाई, और जिनके आदेश अनुसार अलीगढ़ शहर में युवाओं को जोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे मेरे बड़े भाई प्रवीण जी आए, प्रवीण राज सिंह जी जिला पंचायत प्रतिनिधि, हम सबके नेता, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम को आज हमने व्यापारियों ने माऊ हांजा एसोसिएशन के मेरे पास सामने ही अध्यक्ष बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के विष्णु जी, मास्टर ओम प्रकाश जी, हम ही सब लोगों ने उनका स्वागत किया अध्यक्ष जी का। और अध्यक्ष जी से तो मेरा 10 साल पहले से परिचय है। अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष करे हुए स्वयंसेवक हैं, और लगातार हर जाति हर समाज को जोड़ने वाले जो संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहे, ऐसे हमारे इंजीनियर राजीव शर्मा जी आज हमारे बीच आए हैं। उनने हमें केवल एक ही बात कही है कि आप समाज को जोड़िए, राष्ट्रीय हित की बात करिए, राष्ट्रीय हित में हम कार्य करते हैं। और मेरे विषय में तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, अलीगढ़ शहर के लोग मुझे जानते ही हैं, मैं शहर में निरंतर कार्यकर्ता आया हूँ, कार्यकर्ता रहता हूँ, और व्यापारियों की आवाज़ को भी मैं दमदारी से लड़ाई लड़ता हूँ। और जिस तरह से मेरा व्यापारी कहीं भी नाराज है, व्यापारी मुझसे संपर्क करता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें ना संकोच होते हुए मैं अपनी बात खुद रख रहा हूँ। और इसी तरह से आज मैं राजीव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ।